से दुआब नहर में जो कि डीएवी कॉलेज के पास से गुजरती है, इसमें एक व्यक्ति की लाश तैरते हुए मिली है। आपको जिक्र योग बता दें कि बीते दिनों इसी नहर में ही दो बच्चों की लाश मिली थी। लाश करीबन 3 घंटे पहले किसी ने नहर में देखा, उसके बाद फोन करके पुलिस को बुलाया है, जिसके बाद या कड़ी मशक्कत के बाद नहर में इसी शव को निकाला गया। पुलिस का कहना है कि अभी तक डेड बॉडी की पहचान नहीं हो पाई है। इसके बाद 72 घंटे होने का सिलसिला आपको बता दें कि अस्पताल में मुर्दा घर में रख दिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के बाद ही आगे कार्रवाई की जाएगी। प्राइम बेकिंग न्यूज चैनल के लिए जलंधर से खास रिपोर्ट। सानू इन्फॉर्मेशन आई सी पहले थोड़ी देर पहले, घंटा हो गया कि इधर का कोई बॉडी डीएवी कॉलेज के नहर के तैरती आ गई है। बॉडी का SHO साहब भी है एक नंबर, मैं भी सारे आके बॉडी का निरीक्षण किया पूरा फिजिकली विद मोबाइल कैमरा एंड ऑल। कोई इंजरी मार्क बॉडी तो है नहीं, कोई मतलब यह नहीं आप कह सकते कि ये मतलब कोई इदा की गल है नहीं, बट यह हो सकता कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पता लगेगा कि रीज़न की है। बॉडी पूरी नेकड है, सिर्फ अंडरवेयर डालिया हुआ। हाँ जी नहीं हूँ असं 72 घंटे उत्थे रखा मोर्चरी से, फिर इश्तहार सारी जारी करावे। उस तो बाद फिर जो 72 घंटे चो कोई आ गया फिर वो चेक कर लेंगे, नहीं तो उस तो बाद पोस्टमार्टम करावे। इस बारे मैं नहीं कुछ कह सकता, बिकॉज मैंने पता नहीं गा। SHO अपने DSP साहब बस्ती बावा खेल वाले का, बट यहाँ असं हले एनालिसिस करा के 72 घंटे बाद पोस्टमार्टम करावे, देखा कि कॉज की हैगा यहाँ डैथ का, ड्रोनिंग ना हुई है या किस तरह हुई है, वो आफ्टर पोस्टमार्टम। थैंक यू। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को